नमस्कार, टुक टुक टॉक शो में विश्वजीत सोनी आपके साथ फिर से एक बार आपकी सेवा में। आज हमारे साथ हैं अच्छे कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर जूनियर महमूद जी। जूनियर महमूद जी, आदाब। आदाब जूनियर महमूद जी, ये बताइए आपकी पहली मूवी कौन सी थी? अरे यार मामू, क्यों फालतू सवाल पूछ रहा है यार? पहली मूवी कौन सी थी ना, आखिरी मूवी कौन सी थी ना, वो मूवी कौन सी थी ना, सीधा कम टू द पॉइंट पे आना यार। चल फिर भी तू पूछ रहा है तो मैं बता देता हूँ यार, पहली फिल्म मेरी ब्रह्मचारी थी। ब्रह्मचारी का एक डायलॉग हो जाए। ब्रह्मचारी का डायलॉग सुनना चाहते हो? दस मेकअप मैन चला गया है, अब बार बार नहीं आएगा, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपके उस्ताद महमूद जी, उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज डायरेक्शन की और खुद काम भी किया, वो सारी की सारी मूवी सुपर डुपर हिट हुई, आपने भी कुछ मूवीज की डायरेक्शन की, फिल्में बनाई, वो फिल्में चली? मैं बताता हूँ, मैंने रिलीज ही नहीं की तो चलेगी कहाँ से, मैंने रिलीज ही नहीं की। और ये पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास गवाह है। मामू मेरी बात सुन ले, जितने भी कॉमेडियनों ने मूवीज बनाई है सिवा महमूद भाईजान के, किसी की मूवी नहीं चली। जैसे कि मैं तुझे बता दूं, अभी मोहन चोटी उन्होंने बनाई धोती लोटा और चौपाटी, नहीं चली। जगदीप साहब ने बनाई सुरमा भोपाली, नहीं चली। फिर असरानी जी ने बनाई चला मुरारी हीरो बनने, वो भी नहीं चली, किसी की भी नहीं चली। और किसी कॉमेडियन ने मूवी बनाई अता पता लापता, वो खुद ही अता पता लापता हो गए। और मैं इस इंडस्ट्री से अता पता लापता नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने रिलीज नहीं की। अच्छा ये बताइए, आपने और राजेश खन्ना ने ज़्यादा करके एक साथ काम किया है, ज़्यादातर आप दोनों की मूवीज है, यानी कि वो थे बड़ों के सुपरस्टार तो आप भी कम नहीं थे, आप भी बच्चों के सुपरस्टार थे और बड़े भी आपको उतना ही पसंद करते थे। हाँ इसमें कौन से शक की बात है मामू, राजेश खन्ना जी थे बड़ों के सुपरस्टार और मैं था बच्चों का सुपरस्टार, हम दोनों कम नहीं थे। अच्छा आपका बचपन कैसा गया? जैसे बुढ़ापा अमिताभ बच्चन का अच्छा जा रहा है वैसे। आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी? हाइट मेरी इसलिए नहीं बढ़ी, मैंने मुकरी साहब जो थे बड़े कॉमेडियन, उनके बेटे का रोल ज़्यादा किया फिल्मों में, तो बस मेरी हाइट भी उतनी रह गई, नहीं बढ़ी। फिर भी माशाल्लाह उनसे थोड़ी बढ़ गई मेरी हाइट। और सुन मेरी बात, हाइट पे बात निकली है तो मेरी शादी हो चुकी है, मेरे दो बच्चे और माशाल्लाह उनकी हाइट इतनी लंबी है कि वो तेरे कंधे पे खड़े होकर दही हंडी फोड़ सकते हैं। अच्छा और एक सवाल, शादी पे याद आ गया कि इंसान जब शादी करता है तो उसे घोड़े पे बिठाते हैं, गधे पे क्यों नहीं बिठाते हैं, ये बताइए। शादी में दूल्हे को गधे पे क्यों नहीं बिठाते और घोड़े में बिठाते हैं? तो ये एक मैसेज है, क्योंकि माँ बाप किसी के भी बच्चे के माँ बाप जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे घोड़े पे बिठा ही देते हैं, और इस दुनिया में हर अच्छा काम करने वाले को माँ बाप घोड़े पे बैठा दिया जाता है। और एक बात सुन ले, और एक मैसेज दे रहा हूँ तुझे, ये मैसेज किसी को नहीं पता है, ये जो घोड़े पे बैठता है दूल्हा, ये क्या मैसेज है पता है? जो मेरी शादी में आया वो सर आँखों पे, जो मेरी शादी में आया वो सर आँखों पे, और जो मेरी शादी में नहीं आया वो मेरे घोड़े से, इसलिए घोड़े पे बैठाते हैं, ये इशारा है। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आज हमारे साथ टुक टुक टॉक शो में थे जूनियर महमूद जी। जी धन्यवाद, और आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये टुक टुक टॉक शो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।